सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसे कि गाइस, आप भी अगर इस टू टियर केक को घर पे बनाना चाहते हो बिल्कुल आसान तरीके से, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि गाइस मैंने इस वीडियो पे शेयर किया है इस केक को आप घर पे कैसे बना सकते हो। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसको बनाने के लिए हमको लेना होगा 3 पाउंड का केक एंड उसके ऊपर 2 पाउंड का केक। तो गाइस चलो जल्दी से हम 3 पाउंड के केक को आइसिंग कर लेंगे एंड गाइस उसके बाद हम उसके ऊपर का जो भी 2 पाउंड का केक है इसको भी जल्दी से आइसिंग कर लेंगे। तो गाइस चलो मैं जल्दी से इस केक को आइसिंग कर लेता हूँ एंड गाइस जैसे कि मैं इस केक को जल्दी से आइसिंग कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी आगे का डिज़ाइन है हम उस पर आते हैं। एंड गाइस आपको अगर आइसिंग नहीं आता तो गाइस मेरे चैनल पर ज़रूर जाए, वहाँ पर जाके 2-3 वीडियो मैंने आइसिंग के ऊपर अपलोड किया है, वो सब आप देख सकते हैं, ताकि गाइस आप आइसिंग अच्छे से सीख पाए। एंड गाइस मैंने आज सोचा नहीं था वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि गाइस टीचर्स डे स्पेशल बहुत सारा केक आ रहा था। तो गाइस बहुत दिक्कत से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो। एंड गाइस अभी हम इस 2 पाउंड केक को आइसिंग कर लेंगे। जैसे कि गाइस जो 1 पाउंड का केक होता है इसको मैंने 2 लेयर करके एक के ऊपर एक उठा दिया है, ताकि ये लंबा वाला 2 पाउंड केक बन जाए। तो गाइस जैसे कि ये वाला जो केक है इसको भी मैंने फाइनली आइसिंग कर लिया है। अभी गाइस मैं इस केक को उसी केक के ऊपर ड्रॉप कराऊंगा कुछ इस तरीके से, बीचों बीच हम ड्रॉप करा देंगे कुछ इस तरीके से। तो गाइस अभी इसके साइड की ओर डिज़ाइन करेंगे ये वाला नोजल से। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो नोजल है, मैंने मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस बनाया है इसके ऊपर। तो गाइस मैंने वाइट पाइपिंग से पाइपिंग बना के पैक कर लिया। अभी गाइस ध्यान से देखना नोजल को कैसे पकड़ा हुआ है एंड गाइस मैं कैसे प्रेशर कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हो नोजल को कुछ टेढ़ा करके इस तरीके से पकड़ लिया एंड गाइस मैं बस प्रेशर कर रहा हूँ उसकी शेप्स लेकर। जैसे कि ये कंप्लीट हो चुका है, अभी गाइस उसके ऊपर अगेन मैं कुछ इस तरीके से प्रेशर कर लूँगा। जैसे कि गाइस अब ध्यान से देख सकते हो मैंने नोजल को कैसे पकड़ा हुआ है। तो गाइस ऊपर ये भी कंप्लीट हो चुका है एंड गाइस अभी हम इसी केक की फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले साइड की ओर भी हम इसी नोजल से कुछ इस तरीके की ड्रॉप कर देंगे, जैसे कि ऊपर और नीचे मैंने इस तरीके से ड्रॉप कर लिया है। तो गाइस अभी हम इसमें फ्लावर यूज़ करेंगे कुछ ये 44 फ्लावर नोजल से। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ हमको चाहिए बिल्कुल रेड कलर फ्लावर। तो गाइस उसके लिए मैं रोजबेरी कलर लिक्विड यूज़ करूँगा। आपके पास अगर टमाटर रेड है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि रोजबेरी कलर मैंने यूज़ किया है। तो गाइस अभी इसी क्रीम से मैं फ्लावर बनाऊंगा एंड गाइस इसको और भी ज़्यादा रेड करने के लिए मैं इसके ऊपर रेड स्प्रे यूज़ करूंगा कुछ इस तरीके से। तो गाइस अभी देख सकते हो ये जो फ्लावर का कलर है वो बिल्कुल रेड हो चुका है, बिल्कुल हार्ड रेड। तो गाइस मैं इसी तरीके से 10-12 फ्लावर बना लूँगा केक पे ड्रॉप करने के लिए। एंड गाइस आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉमेंट ये आ रहा था कि रेड रोज़ कैसे बनाए, तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इसी तरीके से आप भी रेड रोज बना सकते हो। तो गाइस चलो मैं जल्दी से फ्लावर बना लेता हूँ। तो गाइस मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है, अभी गाइस इसी केक के साइड की ओर ड्रॉप करूँगा जैसे कि आप देख सकते हो। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ फ्लावर ड्रॉप करने से पहले थोड़ा सा क्रीम लगा लेना, ताकि गाइस इसके ऊपर आप फ्लावर को ड्रॉप करा पाओ। तो गाइस जैसे कि मेरा हो गया है, मैंने इस फ्लावर को ड्रॉप कर दिया है। अभी गाइस इसी केक की साइड की ओर मैं और एक फ्लावर बनाऊंगा राउंड वाला, वो कुछ इस तरीके से 44 नोजल से। गाइस अब ध्यान से देखना मैं कैसे घुमा करके ये फ्लावर बना रहा हूँ। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो फ्लावर है इसको बनाने के लिए आपको स्टैंड को प्रॉपर तरीके से घुमाना आना चाहिए, क्योंकि गाइस मैं ये जो डिज़ाइन है ये बस हाथों की बैलेंस एंड स्टैंड की घुमाने की तरीका आपको मालूम है तो गाइस ये आप बना सकते हो। एंड गाइस आप अगर नया नया हो इसको बनाना चाहते हो तो गाइस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो गाइस जैसे कि मैंने पत्ता कलर भी बना लिया है, इसको मैं कट करूँगा, जैसे कि अक्सर मैं पत्ता कट करता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो पत्ता मैंने कटिंग कर लिया, अभी गाइस कुछ ड्रॉप करूँगा, देख सकते हो इसी शेप में मेरा पत्ता निकलने वाला है। जैसे कि गाइस मैं ये जो फ्लावर है इसके साइड की ओर
कुछ इस तरीके से बना लूँगा। बस गाइस ये शेप पे कटिंग करके बस आपको प्रेशर करना है तो गाइस ये ऑटोमेटिकली शेप ले लेता है। तो गाइस ऊपर भी मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉप कर दूंगा पत्ता शेप पे, जैसे कि मेरा ये कॉम्प्ट ख़त्म हो चुका था। तो गाइस मैंने व्हाइट एंड थोड़ा सा ग्रीन था तो उसको मिक्स करके लाइट ग्रीन बना लिया है एंड गाइस ये और एक डिज़ाइन बन गया है। तो गाइस जैसे कि आज का वीडियो बस यहाँ तक ही था। सो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो, क्योंकि गाइस बर्थडे केक से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो गाइस थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द।